अब बात महाराष्ट्र की। 9 महीने में ढही छत्रपति शिवाजी महाराज की प्रतिमा को लेकर विपक्ष सरकार को घेर रहा है। सरकार अपना बचाव करने में जुटी है। पूरे मामले में एनसीपी ने सरकार से अलग रुख अपना लिया है। आज सुबह महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम अजीत पवार सिंधुदुर्ग के मालवण पहुंचे। अजीत पवार के साथ प्रदेश अध्यक्ष और सांसद सुनील तटकरे भी मौजूद थे। अजीत पवार ने राजकोट किले में शिवाजी महाराज की क्षतिग्रस्त पुतले की जगह का निरीक्षण किया। शिवाजी का पुतला आखिर कैसे गिरा, डिप्टी सीएम ने अधिकारियों से इसकी जानकारी ली। अजीत पवार इस हादसे के लिए पहले ही महाराष्ट्र की जनता से माफी मांग चुके हैं। अजीत पवार ने इस हादसे के लिए पहले ही महाराष्ट्र की जनता से माफी मांगी थी। शिवाजी की इस प्रतिमा को लेकर जाहिर है आक्रोश तो होना ही है। शिवाजी जो कि महाराष्ट्र की अस्मिता के प्रतीक हैं, उनके शौर्य का प्रतीक हैं, ऐसे में उनकी प्रतिमा कैसे गिर गई, कैसे एक साल के अंदर ही समुद्री हवा की, जो जैसे कह रहे हैं कि समुद्री हवा ऐसी थी जिसने उसके नट बोल्ट को ख़राब कर दिया था, तो ये तो बात पहले से ही पता थी कि समंदर के किनारे एक प्रतिमा लगाई जाएगी और आर्द्रता हो सकती है, पानी नमकीन हो सकता है, लोहा ख़राब भी हो सकता है, और इसलिए इन सारी बातों का तो पहले से ही ख्याल रखते हुए प्रतिमा बनानी चाहिए थी। अब चूंकि प्रतिमा क्षतिग्रस्त हो गई है तो अपने अपने तरीके से सभी सरकार पर अटैक कर रहे हैं।